जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखो। सिकंदर के शिविर तक तो पहुंच गया, परंतु मैं इसमें प्रवेश कैसे करूं? कैसी विचित्र पोशाक है, शरीर का निचला भाग तो जैसे नग्न है। हे, यहाँ क्या कर रहे हो? हुजूर फिलिप ने बुलाया है, चलो। वाह, बहुत अच्छा है। अब अगला दौर रियाज करेगा। कौन है ये? नए आए हो? महाराज सिकंदर के विश्वास पात्र हैं हुजूर फिलिप। तुम सबको ग्रीक फोर्स का हिस्सा बनना है, तो जंग के ये तौर तरीके है सीखना होगा। ऐ तुम ये इधर आओ। कौन है तुम? पहले तुम्हें यहाँ नहीं देखा? जी मैं नया हूँ। नए हैं? तो पहले जाके खाना बनाने में ही मदद करो, क्योंकि खाना ही फौज को बनाता है। आज से मेरा खाना तुम लेके आ गए। जी। हुजूर फिलिप्स, महाराज सिकंदर ने आपको याद किया है। ये देखो, राजा पर्वतक ने अपने बेटी की युवराज राजाभिषेक के उत्सव पर हमें बुलावा भेजा है। ये बुलावा पैगाम है हमारे सामने गोल खेल फेंक देने का। रुको, कहाँ जा रहे हो? जी मैं फिलिप जी के लिए भोजन लेकर जा रहा हूँ। यदि आपकी अनुमति हो तो क्या मैं प्रवेश कर सकता हूँ? ठहरो। तुम जा सकते हो। कृपया आप एक क्षण से पकड़ेंगे। अगर अब आपकी अनुमति हो तो क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं? तुम जा सकते हो। धन्यवाद। झुकना चाहते हैं वो हमारे सामने, लेकिन हम नहीं जाएंगे। क्यों? आपका ओब रहेगा। बेशक। एक बार उनके बुलावे पे गए तो वो समझेंगे कि हम डर गए। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको हर हाल में वहाँ जाना चाहिए। और तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि जो काम हाथ मिलाकर भी हो सकता है, उसके लिए हाथ काटने की क्या जरूरत? कौन है ये? तुम सियासत नहीं समझती है लेना। यहाँ के लोग इस लायक नहीं कि महान सिकंदर उनसे हाथ मिलाए। इनका झुकना जरूरी है। बेशक झुकना जरूरी है, लेकिन जो सर डर से झुकते हैं वो बगावत में उठते हैं, और जो दोस्ती में झुकते हैं वो वफादारी के लिए कटते भी हैं। बिना खून की बूंद गिराए इस मुल्क पर हमारा कब्जा होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। गुस्ताखी की महान सिकंदर के सामने चंद्र ने नहीं हिम्मत तुम्हारी। जी मेरी नहीं, चंद्र की। ऐसा चंद्र ने कहा। कौन है ये चंद्र?
भारत माँ का पुत्र विदेशियों का दुश्मन चंद्र। विदेशियों का दुश्मन? ऐसा मैं नहीं, ऐसा चंद्र कहता है। और तुम्हें कहाँ मिला? तक्षशिला में, आचार्य चाणक्य का शिष्य है वो। और जी मैं महाराज अंबी का रसोईया, उनके पुत्र के लिए वहाँ भोजन भिजवाया करता था। तो क्या तुम्हारी भारत माता का वो अकेला बेटा हमारी सेना से लड़ेगा? जी चंद्र अकेला ही 100 के बराबर है। ऐसा मैं नहीं, ऐसा चंद्र कहता। तो आने दो उसे, उस एक के ही 100 टुकड़े करके वापस भेजेगा सिकंदर। चंद्र तो आ चुका है भारत माँ के टुकड़े होने से रोकने के लिए, तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने के लिए। वैसे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी मैं फिलिप जी के लिए भोजन लेकर आया था। यही रखते हो सर? धन्यवाद। ठहरो, तुम्हारा नाम क्या है? चंद्र। चंद्र? जी चंद्र मुझे दुष्यंत के नाम से बुलाता है, मेरा नाम दुष्यंत है। दुष्यंत, सेलेकस, हमारी सेहत ठीक नहीं है, इसलिए पर्वतक के जश्न में तुम जाओ। हेलेना और सेलेकस के जाने की तैयारी की जाए, और तुम भी इन सब के साथ करोगे, और हेलेना की पलकी तुम ही उठाओगे। इजाजत दीजिए, आर्गस के खाने का वक्त हो गया है। इतने लोग हैं यहाँ, आर्गस को खिलाने का काम उन्हें क्यों नहीं सौंपती तुम? क्योंकि वो मेरा है। हुजूर, हेलेना को आपने और आर्गस के बीच वो नहीं चाहिए। उसले का सारा भी लापरवाही इसे बर्दाश्त नहीं। दिन रात आर्गस इसके चारों ओर और इसकी दुनिया उसके चारों ओर। अच्छा, इतना ही नहीं, आर्गस भी माँ हो तो वो इसकी माँ चाहती है। बारिश में बिजली चमकने से दाता है हेलेना इसे अपने गोद में छिपा कर रखती है। तो इजाजत है? सिकंदर की सेना में युद्ध शैली सीखने के लिए मुझे हेलेना को प्रभावित करना ही होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।